तो ये आज पहाड़ पानी का, ये जो हमारा उत्तराखंड में पहाड़ पानी है भीमताल के साथ, तो यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे ये जो दूसरा बगीचा लगा है संजय जी का, संजू, इनको संजू बोलते हैं, तो इनका ये जो दूसरा बगीचा लगा है, तो ये भी एक इतना अच्छा बगीचा बना है कि जो मेरा मन खुश हुआ है यहाँ पे आकर के, कि मैंने देखा है कि एक साल में संजू जी ने भी इतनी मेहनत करी है कि जब हम पिछले साल आए थे तो ये खाली ज़मीन थी, ऐसी ज़मीन थी कि जिसको मैं सोच नहीं सकता हूँ कि ये इतना जल्दी जो है इन्होंने इसको जो है डेवलप किया, और कितना इसमें हार्डवर्क हुआ है, और इतनी अच्छी सॉयल है, ये ज़मीन है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, और बनाया भी इन्होंने बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एप्स ऑर्चर्ड है मेरा हिमाचल में बना हुआ अपना। तो अगर आप देखें तो इसमें ये जो रास्ता है, लंबा रास्ता, ये रास्ता जो नज़र आ रहा है, ये बीच से कनेक्टिविटी, और ये जो नीचे ऊपर जो आपने नीचे ऊपर जो ये रास्ते से नीचे और ऊपर का जो ये दो तरफ को फाड़ा है, और तीन तीन पार्ट में करा है संजू जी ने इसको, और ये तीन पार्ट में मेरे ख्याल से आपने 2 बीघे गए लगभग एरिया को जो है ये तीन पार्ट में करके, इसमें आपने कितना लगाया है, 2000 प्लांट। अब ये 2000 प्लांट, अब इसकी जो आज आपको टेक्निकल जानकारी देने, पिछली बारी आए थे हमने आपको एक लेआउट दिया था ज़मीन स्केपिंग का, लैंडस्केपिंग आपने बहुत बढ़िया करी है जो पहाड़ के तरीके से होनी थी, क्योंकि ये पहाड़ का जो एरिया है, पहाड़ के जो एरिया होते हैं ये ढलानदार टेरेन होते हैं, उसको बहुत बढ़िया किया है आपने। और अब जो इसमें टेक्निकल वर्क है, उसके बाद आपने ये प्लांटेशन इसमें जो है बड़ा अच्छा लेआउट किया, उसके बाद ये जो प्लांटेशन आपने करी, अब ये इसका टाइम आया है प्रोनिंग का, तो ये जो प्रोनिंग की जो तकनीक है, आप इसको भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में, अभी मेरे ख्याल से ये 9-10 महीने के प्लांट हुए हैं, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि डेज इसके देखें तो 9 महीने के लगभग के ये प्लांट हुए हैं। तो अब ये जो सीज़न दिसंबर और जनवरी का आया, तो आपके लिए प्रोनिंग का टेक्निकल काम है इसमें, तो टेक्निकल काम आपको बताएंगे हम इसमें अभी प्रोनिंग करके कि कैसे होना है, तो आप खुद जो है इसके स्किल को सीखेंगे, प्रोनिंग के स्किल को, और अपने बगीचे को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, और प्रोनिंग के आप परफेक्ट वो बन जाओगे, एप्स ऑर्चर्ड की जो प्रोनिंग है, उस तरीके की जो प्रोनिंग होती है, उस तरह से जो प्लांट को कंट्रोल करते हैं, वो ही काम आपसे भी सिखाया जाएगा। तो अब आप बताएं कि आप इस जो काम में लगे हैं, जो फीडबैक है, एक जो मैसेज होता है एक आपकी कम्युनिटी के लिए, सब लोगों के लिए, जो और भी जो आपको देख करके जो आपके पड़ोस में जो लोग सोच रहे हैं कि कैसी फार्मिंग है, क्या है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, और अपने लिए भी आप देखें कि आपने कैसे अपने आप को वैल्यूएबल बनाया, एक एप्पल फार्मिंग से जुड़ करके आपने एक कम्युनिटी में अपना नाम कमाया और वैल्यूएबल हुए, और लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आर पार अगर देख सकता हूँ यहाँ पे वैलीज़ जो है, ये वैलीज़ अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, और ये पूरे वैलीज़ खाली पड़ी हुई है, अगर इसमें कैश क्रॉप के लिए सेब का बाग लगाया जाए, सेब के बगीचे लगाए जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कितना आगे कैश क्रॉप में जाएंगे यहाँ के किसान। थोड़ा सा इन किसानों को एक टेक्निकली एक विज़न देने की ज़रूरत है, जो यहाँ संजय जी ने भी करा है और बहुत सारे लोग और करने जा रहे हैं, आर्या जी ने भी किया है, नंदन आर्या जी ने, अभी भी मुझे यहाँ से आगे जाना है, यहाँ और जाकर आगे किसान और भी है जिन्होंने इस तरह से काम किया है। मैं हर बगीचे से जो है आपको जानकारी बताऊंगा। पहाड़ पानी में एक जो यहाँ की विशेषता है, पहाड़ पानी, पहाड़ में एक छोटा सा वो जो बना हुआ है पानी का, चारों तरफ जो है पहाड़ है और सामने हिमालय दिखता है यहाँ पर, तो इधर से जो ये रोड था, ये जो सड़क थी, पैदल मार्ग था, तो यहाँ से जो है कभी जो है यहाँ पे हमारे जो विवेकानंद जी, ऋषि विवेकानंद जी बोल सकते हैं हमको, जो हमारे,
वो यहाँ पहाड़ पानी में एक रात उन्होंने बिताई। यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सारा। तो वो कैसे आए थे, कैसे गए थे, आगे वो जो जहाँ तक उनका सफ़र था, शायद समुद्र से हिमालय की तरफ उनका एक सफ़र था कि हिमालय की तरफ जाना चाहते थे, हिमालय से वो वापस जो है फिर समुद्र की तरफ गए थे, जो कन्याकुमारी पहुँचे थे, जो विवेकानंद जी की हिस्ट्री बताती है, जीवनी बताती है। तो वो महान पुरुष भी इस इलाके से जो है गुजरे हैं और रहे हैं, तो उनके चरण यहाँ पे पड़े हैं। और ये जो आज खेती यहाँ पे किसानों ने खेती कर रहे थे, आज जो है ये बागवानी की तरफ जो है यहाँ पे लोग जो है इस ज़मीन को टूरिज्म और बागवानी की तरफ जो है डेवलप करना चाहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को एक स्टेबिलिटी, स्टेबल रोज़गार मिलेगा और अच्छा जीवन जीने के लिए जो है वो अपना अपना फ्यूचर बनाएंगे। और मेहनत करने वाले लोग हैं और पहाड़ी लोग हैं। और यहाँ पे एक बड़ी बात और भी है, जो दूध क्रांति है जैसे हिमाचल में आई थी, दूध भी यहाँ किसान जो है हर घर में जो है दूध जो है यहाँ पे उत्पादन होता है, जिसको जो है चिलिंग प्लांट पे ले जा करके जो मार्केट किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इनके कैश क्रॉप का एक ज़रिया है यहाँ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, औरतें यहाँ के गांव की उसमें काम करती हैं, जैसे कल्चर पहले हिमाचल प्रदेश में भी था, अभी भी है हिमाचल प्रदेश में दूध का उत्पादन, सेब के बगीचे के साथ भी जो है लोग दूध का उत्पादन भी करते हैं। आज वो उस दूध को जो है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यूज़ करते हैं, और अभी यहाँ पे पालन पोषण के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ, और कैश क्रॉप के रूप में भी करते हैं यूज, जैसे हिमाचल में होता था। तो अब अगर ये इसके साथ ये सेब का बागवानी यहाँ पे अगर शुरू हो जाए, ये रेवोल्यूशन जैसे चल रहा है और स्टार्ट है अभी, तो ये मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, 0% से भी नीचे है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से काम हो रहा है। ये एक रेवोल्यूशन जब पकड़ेगा, हो सकता है आने वाले 5-10 साल में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस क्षेत्र में आएगा, ये बागवानी के जो क्षेत्र में। तो ये इसमें संजय जी भी बताएंगे अपने विचार, जो इनकी जो फीडबैक है, और ये कम्युनिटी को अपना मैसेज बताएं। सबसे पहले सर मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा, आपने हमें ये मार्गदर्शन दिया, आपकी गाइडेंस में ये ऑर्चर्ड लगा है। जो भी हमारी इतनी अभी मेहनत उतनी हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूँ मैं पहले जॉब करता था, मैं एग्रीकल्चर से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था। तो उसके बाद अकॉर्डिंग मेरे बिल्डर हैं वो मुझे हिमाचल ले गए, हिमाचल में उन्होंने चौहान सर से आपसे मिलवाया, और उसके बाद मैंने देखा और सोचा, मुझे लगा कि एप्पल फार्मिंग यहाँ पर एक आजीविका का अच्छा साधन है, और चीज़ तो टूरिज्म है, टूरिज्म में वैसे ही कोई अर्निंग नहीं है, तो मुझे लगा कि एप्पल फार्मिंग करनी चाहिए। और एक ये एक अच्छा माध्यम है कि ये एक अच्छी आय है, शुद्ध है, और अपना फिजिकली भी इसमें मेंटेन रहता है इंसान, जैसे आजकल रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य ये, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं करूँ या मैं इससे पैसे कमाऊँ। मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जब मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो अन्य लोग भी इसे कर सकते हैं, बस करने की एक लगन होनी चाहिए। जहाँ चाह है तो वहाँ राह है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी है कि चलो इनकम का सोर्स तो चलो ये बनेगा ही बनेगा, ये तो मुझे दिख रहा है, परंतु अभी आपको भी ये सपने जो है, सेब का जो एक बगीचा होता है, सेब जो है धरती के ऊपर सबसे पहले जो मानव आया था, सेब ही उसने भी खाया था, आदम और ईव ने। तो ये जो एक फल है, ये एक वरदानी फल है, ये जादुई फल बोल सकते हैं हम इसको, चमत्कारी फल बोल सकते हैं। जहाँ भी ये गया है दुनिया में, उस देश को, उस क्षेत्र को जो है इसने जो है अपने खुशहाली की तरफ ले गया है, ये तो आने वाला समय बताएगा संजय जी। बाकी जो आपका जो टेक्निकल काम है प्रोनिंग का, वो अब आप देखें, और आपने समझ भी लिया है काफ़ी हद तक।
उसमें आप यहाँ काट कट करेंगे इसको, जितने भी इसमें फैदर है, ठीक है, आप इसको स्टॉप करेंगे, इनको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। हमने जो है इसमें जो है इसी में ही फ्रूट बड बनाना है और इसी को हमने कॉलम के रूप में ले जाना है। इस तरह से इसकी कटिंग होगी, जैसे ये हर प्लांट है अभी फैदरिंग में है, ठीक है, आपको ये इस तरह से काटने हैं और इसकी जहाँ इसकी स्ट्रेंथ बनती है वहाँ से आप इसको काट दें, ठीक है। ये वाला है गाला का प्लांट है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीडलिंग प्लांट है जो अपने आप को सर्वाइव खुद होता है। ऐसे पहाड़ी टेरेन में यही प्लांट जो है कामयाब होता है, अदरवाइज जो है पहाड़ की टेरेन में तिरछे ढलानदार उसमें जो है ये दूसरा कोई पौधा जो है कामयाब नहीं हो सकता जैसा ये पौधा कामयाब होता है। अब ये सर इस पर भी काटा या सिर्फ? हाँ अच्छा, ये क्योंकि ये सब जो है हम अभी एक कॉलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है इसमें अगर हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है ब्रांच मिल रही कि ये हमारे लायक नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से भी ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट में इसमें जो है अच्छी वो ग्रोथ स्ट्रेंथ वाली वो ग्रोथ आए। तो छोड़ देना सर, हाँ ये छोटे ये खुद अभी नेक्स्ट में बनेंगे, नहीं समर में ज़रूरी अभी नहीं होगी समर में, हाँ समर में हम देखेंगे कि कितना हमारी ज़मीन के अंदर प्रेशर है, कितना वो फेंक रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले छोटे इनको मत छोड़ो, छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, ये वाले जाएंगे हम ऊपर ताकि ये हमारा बनता जाएगा, बाकी तो ये नेक्स्ट में बताएगा कि इसको क्या बनना है क्या होना है, ठीक है। ये फर्स्ट ये फोन कर दिया, ये कर दिया सर, हाँ ठीक है। ये है सर, ये सर एक क्वेश्चन सर, हाँ जैसे इसमें भी मुझे मुझे लग रहा है कि इसमें भी डिजायर्ड ग्रोथ हमें लग रहा है कि रिक्वायर्ड नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है नहीं ये है जी, ठीक है ना, इसमें क्या होगा ये जो प्रेशर लेगा अभी जी, ठीक है ना, ये खुद जी जी फेंकेगा अभी जी, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये अगर कोई पौधा हमें लगता है ये खुद स्प्राउटिंग होगी अभी, अभी तो ये स्टार्ट ही है ना, नौ महीने में इतना अच्छा बनना, नौ महीने में तो लोगों का वो अभी चलते नहीं प्लांट, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये सर्वाइव किए, तो ढूंढो इसमें अच्छा ये वाली नहीं होती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ठीक है ना, ये नहीं बनेगी ज़्यादा उभरी हुई तिरछा, हाँ बस अब अगली ये अब भी मार देगा ये ऊपर, ये भी अगर आपको लग रहा है ना ज़रूरी नहीं, इसको भी यहाँ से मार दो थोड़ा ऊपर से, यहाँ मार दो, ठीक है ना, ये भी देखो ये लग रहा है ना नहीं अच्छी आई हेल्दी नहीं आई, उसको भी ढूंढ लो, इधर ढूंढ लो, ये है ना, हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ, हम कहीं से भी काट दे रहे थे ना, हाँ वो आइस का, अब इसको भी देखो ना ये तो बनी गए, ठीक है, ये यहाँ से कटा था, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम क्या देखेंगे, हमारे को अगली साल चाहिए यहाँ से सेंटर में, ठीक है ना, हमने देखा कि ये थोड़ा सा बन रहा है, इसको तिरछा काट दिया, ठीक है ना, बस रेन दिया, ये काट दिया यहाँ से, ठीक है, अब ये खुद देगा ये कमार को, लॉक किधर को है